हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड यू स्टूडेंट्स आर द गिफ्ट ऑफ गॉड्स सो दैट यू कैन इजीली लर्न द बेसिक थिंग्स इन इंग्लिश एंड दिस बेसिक थिंग इज थ्री लेटर वर्ड्स. इट इज कॉल्ड फोनिक्स. फोनिक्स मीन्स द साउंड ऑफ लेटर. अर्लियर वी स्टडीड, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो दो लेटर वर्ड्स थे वो हमने पढ़े हैं. इनसे पहले हमने अल्फाबेट्स के जो साउंड्स है वो भी पढ़ लिया है कि उसे कैसे बोला जाता है. तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं थ्री लेटर वर्ड्स. तो देखते हैं, ये लेटर जो है ए, इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि इसका उच्चार जो है वो ए होता है. तो हर एक वर्ड, हर एक लेटर के साथ ए जब जुड़ेगा तब उसका उच्चार होगा ए. जैसे कि बी ए टी, बी का यहां पे उच्चार है ब, ब ए टी, बैट. सी ए टी, सी का उच्चार जो होगा वो क्या होगा, क, सी ए टी, कैट. एम ए टी यानी कि म ए टी, मैट. F ए टी, फैट. H ए टी, हैट. ह यानी कि एच, तो एच ए टी, तो ह ए टी, हैट. बी ए एन, बैन. सी ए एन, कैन. एम ए एन, मैन. पी ए एन, पेन. आर ए एन, रैन. डी ए एम, डैम. आर A M, ram. H A M, ham. J A M, jam. B A D, bad. H A D, had. M A D, mad. P A D, pad. L A D, lad. S A D, sad. फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, फिर से मैं आपको समझाता हूं. बी ए टी, तो यहां पे जो बी है उसका जो उच्चार है वो क्या है, ब है. ब ए टी, तो हम जानते हैं दो लेटर्स में भी आता था ए टी यानी एट होता है. तो बी ए टी मतलब ब ए टी, बैट. सी यानी क, क ए टी लगा है तो क्या होगा, सी ए टी, कैट. म एट, मैट. एफ यानी फ, फ ए टी यानी फैट. एच यानी ह, ए टी, एट. ह एट मीन्स हैट. ब एन, बैन. क एन, कैन. म एन, मैन. प एन, पैन. र एन, रैन. D M, dam. R M, ram. H M, ham. J M, jam. B add, bad. H add, had. M yani m, m add, mad. P, p add, pad. L l, l add, lad. सैड यानी स एड सैड. तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इसको याद रखिए, बोलिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए. और ये जो सारे फोनिक्स जो वर्ड्स जो है थ्री लेटर वर्ड्स, वो आपकी नोटबुक में लिखना है और अच्छी तरह से समझना है. थैंक यू स्टूडेंट.